वेलकम टू करण क्रंच तो गाइज़ ये वीडियो में काफ़ी डिले हुआ बिकॉज़ आई वॉज नॉट कीपिंग वेल फ्लू और सोट थ्रोट हो गया था मुझे काफ़ी खतरनाक वाला इनफैक्ट आई एम स्टिल नॉट वेल लेकिन मुझे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे और मेल भी आए कुछ स्टूडेंट्स के कि मैं कब कंप्लीट कराऊँगी एंड ऑल तो मैंने ये गैप uh, सिर्फ इस वजह से लिया था क्योंकि हेल्थ इशूज़ फ्लू की वजह से बोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे केसेस में अभी भी है तो ये वीडियो स्टिल मैं लेके आई बिकॉज आई ऑल्सो रियलाइज कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है एंड आई रियली यू वॉन्ट टू एंड इट वेल तो इस वीडियो का टेम्पो मेरा ऐसा ही रहेगा नॉर्मली काफ़ी एनर्जेटिकली मैं बात करती हूँ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वॉइस का डिसबल और टेम्पो एनर्जी जो है वो ऐसी रहेगी बट आई स्टिल मेक इट अ पॉइंट कि आप लोगों को समझ में आ जाए जो भी मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ या कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाए तो जो जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा है पहले उनके लिए हम इसमें कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशोलॉजी करंटली वी आर डूइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक विच इज थिंकर्स कार्ल मार्क्स हमने स्टार्ट किया है और कल मार्क्स का आज लास्ट टॉपिक हमें करना है ये हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप यूपीएससी स्टेट पी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपके नेट एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि नेट एग्ज़ाम में भी थिंकर जो ये मार्क्स वो आपको कवर करना होगा इनफैक्ट जितने थिंकर्स सॉरी <laughs> जितने थिंकर्स थिंकर हैं आपकी नितिन सांगवान सर की बुक पे वो सारे थिंकर्स आपके नेट के सिलेबस के भी हैं यूपीएससी के भी हैं स्टेट पी के भी हैं तो आप लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो क्लास इन सोसाइटी ठीक है हम कर रहे हैं कार्ल मार्क्स और ये कार्ल मार्क्स का लास्ट टॉपिक है आई होप आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया हो सारा अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे पुराने वीडियोस मेरी चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है नितिन सांगवान सर की इवन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट अब कार्ल मार्क्स ने क्लास की बात की ठीक है आप बोल सकते हो क्लास जो है वो इनका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इनकी आइडियोलॉजी का इनका आइडिया जो भी था जो पुट फॉरवर्ड करना चाहते थे लोगों को समझाना चाहते थे क्लास उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेविटल रोल जो है इस कॉन्सेप्ट ने प्ले किया इनका मानना था सोसाइटीज़ दो क्लासेस में डिवाइडेड होती हैं हैव्स मैन हैव नॉट्स मैन ठीक है men, थोड़ा और डिस्कवर करेंगे हम इस टॉपिक में कि उन्होंने क्या क्या बातें करी थी कार्ल मार्क्स ने तो स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स जो क्लास uh, जो है इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स और सोसाइटी जो है ऑलवेज डिवाइडेड होगी ऑपोजिंग क्लासेस में ठीक है एक आपके हैव्स हैं एक आपके हैव नॉट्स हैं इनका क्या कहना था कि देखो आदमी कहाँ पैदा हो कौन उसके फादर हो ये वो खुद डिटरमिन नहीं कर सकता है जैसे ये चीज़ डिटरमिन खुद मतलब हम खुद ये चीज़ सोच के आ सकते हैं कि हमें धीरू भाई के घर में पैदा होना है नहीं ये बाई नेचर है हमें जिसके घर में पैदा किया जाता है हम उसके घर में पैदा होते हैं एकॉर्डिंगली उनका उन्होंने यही अनालजी ड्रॉ किया आपको ये बताने के लिए कि आप किस क्लास को बिलोंग करोगे ये भी आप डिटर्मिन नहीं कर सकते हो यू हैव नो चॉइस ओवर इट अगर आप एक हैव नॉट घर में पैदा हो गए हो तो जो हैव्स हैं जो रिच हैं दिल मेक श्योर कि आपकी कोई क्लास मोबिलिटी ना हो आप हैव्स में ना आओ आप हमेशा एक अगर आप सो कॉल्ड पोअर या सो कॉल्ड लेबर क्लास में पैदा हुए हो यू विल डाई इन दैट क्लास ओनली बिकॉज अदर पीपल द अदर इंस्टीट्यूशन दे विल मेक श्योर कि आपकी कोई लाइफ लॉन्ग इम्प्रूवमेंट ना हो ये इनका मानना था सोसाइटी ऐसे डिवाइडेड थी ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी एनालजी ड्रॉ करने के लिए इन्होंने किसकी बात की जैसे आप कहाँ पैदा होते हो ये आपके सॉरी कहाँ पैदा होते हो ये आपके हाथ में नहीं है आपके हाथ में उसी तरह आप किस क्लास में रहोगे ये भी आपके हाथ में नहीं है यू हैव नो चॉइस ऑफ इट क्लास जो है वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मार्क्स इन की राइटिंग का टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एज ए होल इन्होंने क्लास को डिफाइन किया देखो अब जो बुक वगैरह दास कैपिटल 1867 ये सारी से बुक के नाम हो गए तो ये आपके यूपीएससी आंसर को तो एनरिच करेगा ही पर अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नाम एज इट इज याद रखने होंगे क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डांस कैपिटल जो है किन्ने लिखी थी ठीक है तो इन्होंने कहा था कास्ट को इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सेम पोजिशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या पोजिशन हो सकती है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में या तो आप ओनर हो ये मैंने पहले भी बोला है या तो आप ओन्ड हो योर इधर यर ओन्ड बाई दी ओनर और या ओनर हो दैट मीन्स इन सिंपल या अगर आप उसको दूसरे टर्म्स में देखना चाहो या तो आप कैपिटलिस्ट हो या तो आप लेबर क्लास हो ठीक यही डिटरमिन करता है कि आपकी क्लास क्या होगी उन्होंने कहा लेकिन उन्हों कुछ और बातें भी बताई क्लास के बारे में वो आगे देखते हैं क्या कि अ क्लास ट्रूली एग्जिस्ट ओनली व्हेन पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन विद अदर क्लासेस ये चीजें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इन्होंने कहा क्लास एक्चुअली आप क्लास क्लास कब बनते हैं जब आप 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 अवेयर हो 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 जाते हो कि आप किसी क्लास का हिस्सा अदरवाइज बस ये एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट बोल दो या आपको बस एक कैटेगरी में डाला गया है और आप इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो आप नॉर्मली अपनी जिंदगी चला रहे हो ठीक है जब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी कि आप किसी एक क्लास को बिलोंग करते हो तो ही आपके अंदर वो सेंटिमेंट्स जागेंगे कि इस क्लास के साथ कुछ गलत हो रहा है अगर आप ये चीज आपको पता ही नहीं है कि आप किसी एक क्लास को बिलोंग कर रहे हो और उस क्लास को कोई दूसरी क्लास रूल कर रही है तो आपके अंदर कोई ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं आएगी जिससे आपको पता चलेगा दैट यू आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड फाइन तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हमें हमारे क्लास इन इट का एंड क्लास फॉर इट का ठीक है जो क्लास इन इट सेटेगराइज एज ए क्लास बट यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट आप इस बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे हो आप एक क्लास में हो ठीक है आपकी ये क्लास है ये बाय नेचर आपकी क्लास बन गई है क्योंकि आप इकट्ठे काम कर रहे हो बट वंस यू गेट दिस फीलिंग दैट यू बिलोंग टू अ क्लास एंड दिस क्लास इज गेटिंग एक्सप्लोयटेड दिस क्लास इज डूइंग मेजोरिटी ऑफ द वर्क एंड द प्रॉफिट्स आर बिंग अप्रोप्रिएटेड बाई सम अदर क्लास

Other classes. Marx ने कहा, हर have सोसाइटी का बोला जिसमें मास्टर-स्लेव की बात हुई फिर फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी आई ठीक फिर आपकी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आई और लास्टली आपका एडवांस कम्युनिज्म जहाँ ये सारा क्लास सिस्टम खत्म हो जाएगा ये कार्ल मार्क्स ने कहा ठीक प्रिमिटिव कम्युनिज्म सरप्लस स्टार्टेड टू इमर्ज एंड सम मेन स्टार्टेड टू कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड अनइक्वल रिलेशंस ऑफ द प्रोडक्शन इमर्ज दिस लेड टू द फर्स्ट क्लास फॉर्मेशन अब एंशियंट सोसाइटी में मास्टर्स और फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैपिटलिस्ट आर दी हैव्स और जो हैव्स हैं ये ओनर्स हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के जैसे लैंड कौन ओन करेगा या जो टूल्स आप मशीनरी एक फैक्ट्री में यूज़ करते हो मशीनरी कौन यूज़ करेगा ओन कौन करेगा उनको हम हैव्स बोलेंगे ये डोमिनेंट होते हैं और कुछ इंटरमीडिएट क्लासेस की भी इन्होंने बात <laughs> सॉरी कुछ इंटरमीडिएट क्लासेस की भी बात की और इन्होंने कहा इवेंचुअली क्या हो जाएगा जो इंटर देखो ये कैटेगरीज आप मान लो जैसे बर्थ आपके हाई क्लास पेटी बर्थ आपके इंटरमीडिएट क्लास ये मैं आपको एग्जाम्पल देखिए अभी समझाऊंगी और प्रॉलिटेरियट आपकी लेबर क्लास ये जैसे आपकी स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स कॉटेज इंडस्ट्रीज आपने जैसे यहाँ पे सुनी होंगी इंडिया में वो स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स जिनको लोन की काफ़ी जरूरत पड़ती है उनके पास मैन पावर इतना नहीं होता कैपिटल इतना नहीं होता है उनके पास खुद का ठीक है छोटी छोटी फैक्ट्री जैसे घर में कोई स्टार्ट किया किसी ने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस तो एक स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज एम आपके मान लो पेटी बर्जा ठीक है इन्होंने कहा था मार्क्स ने अल्टीमेटली क्या होगा ये जो इंटरमीडिएट क्लास है इनके दो प्रोसेसेस हो जाएंगे या तो वो अमीर तबके में आ जाएंगे बर्जो क्लास में उसको बोलेंगे हम बर्जोइजेशन या वो प्रोलेटेरियट्स में आ जाएंगे लेबर क्लास में और अगर वो लेबर क्लास में आते हैं डाउनवर्ड तो मोबिलिटी होती है उसको प्रोलेटेरियनाइजेशन बोलते हैं ठीक है लेकिन अल्टीमेटली दो ही क्लासेस रह जाएंगी इंटरमीडिएट क्लासेस जो है तो ये इंटरमीडिएट क्लासेस अपवर्ड मोबिलिटी से बर्जो ग्रुप में आ जाएंगी या तो ये ग्रुप में आ या या तो हो जाएंगी या तो हो जाएगी तो यही सारी चीजें लिखा हुआ है इंटरमीडिएटी क्लासेस विल बी एब्सॉर्ब इन टू थ्रू ब्रॉड स्टेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लास पोलराइजेशन इसको हम क्लास पोलराइजेशन बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को

आपका एक्सप्लॉटेशन भी है पोलराइजेशन में ये चीजें सारी इन्वॉल्व होंगे ठीक है क्योंकि जब क्लासेस पोलर हो रही हैं दैट मीन या तो आप एक मोबिलिटी से एक में मूव कर रहे हो या तो दूसरे में मूव कर रहे हो तो मूवमेंट ही क्यों हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजें किससे रिलेटेड है आपके कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल से मार्क्स ने कहा क्लास को दो चीजों में देखा था ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन दैट मीन्स उसमें आपका कोई अपनी थिंकिंग सोच विचार नहीं है क्लास है तो है ठीक है इट इज एन एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट जिसे मैंने आपको अभी कहा या आपका कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन नेचुरल जो हुआ है फिर दूसरा आ गया सब्जेक्ट जब आपकी अपनी थिंकिंग अपनी फीलिंग्स ठीक है अपनी अवेयरनेस उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया देखते हैं बुक में क्या लिखा है सर ने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ क्लास इन इट सेल्फ एंड क्लास फॉर इट सेल्फ मार्क्स ने कहा अ क्लास ट्रूली एक्जिस्ट ओनली व्हेन पीपल बिकम अवेयर ऑफ रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू अदर क्लासेस जब आपको पता ही नहीं है कि आप एक्सप्लॉयड हो रहे हो वॉट गुड कैन यू डू फॉर योर क्लास ठीक है ये टू गेट दिस रियलाइजेशन और टू डू समथिंग फॉर यूर क्लास फर्स्ट यू शूड एटलीस्ट है फ्रॉम द्लासल्फ कैटेगरी

ठीक है खुद क्योंकि ऐसी कंडीशन पैदा हो गए जो सारे प्री कंडीशन रिक्वायर्ड थे एक क्लास अवेयरनेस आने के लिए वो सारे कैपिटलिज्म में थे इसीलिए जो रेवोल्यूशन था ये कैपिटलिज्म में ही हुआ और किसी और क्लास में किसी और मोड ऑफ प्रोडक्शन में जैसे फ्यूडलिज्म स्लेव सोसाइटी उनमें नहीं हुआ फाइन इफ यू रिमेंबर अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मैंने आपको इनके वीडियोज के बीच में एक बार ये कहा था

सोसाइटी में क्या सर्टिफिकेशन है क्या लेयरिंग हुई है कैटेगराइज क्या हुआ है कैटेगराइजेशन क्या हुई है उसको डिटर्मिन उसको डिफाइन करने के लिए इट इज बाई वर्च्यू ऑफ पीपल हैविंग कॉमन रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप क्लास में को इसीलिए बिलोंग करते हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ आप एक रिलेशन शेयर करते हो दैट मीन्स या तो आप काम कर रहे हो या तो आप काम करवा रहे हो इसी वजह से आप एक क्लास में हो आपका कुछ सब्जेक्टिविटी उसमें कुछ नहीं है इट इज सोली डिफाइंड बाई पोजिशन इन रिलेशन फॉर एक्जाम्पल प्रोलीटेरियट्स आर ए क्लास एंड सेल्स बिकॉज दे हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स लाइक लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन मीन्स एंड बींग डिप्राइव ऑफ दी फ्रूट्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक है ये प्रोलिटेरियट्स के साथ हो रहा था इस वजह से वो एक क्लास को बिलोंग करते थे ना कि इस वजह से क्योंकि उनमें क्लास अवेयरनेस थी क्लास एंड इट सेल्स बिकम्स अ क्लास फॉर इट सेल्स जब कॉन्ट्रोडिक्शन बिटवीन कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स मेंस एंड द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड एंड ठीक है जब ये कॉन्ट्रोडिक्शन खत्म हो जाएगा जब उनको पता चलेगा रियालिटी सिचुएशन की क्या है और उनका उसमें क्या रोल वो प्ले करते हैं और वो क्या कर सकते हैं तब क्लास फॉर इट में वो कन्वर्ट होगा बिकम अवेयर ऑफ देयर एक्सप्लाटिव सिचुएशन कहा कि मेरा गला ठीक नहीं है तो एनर्जी जो है वो ंगली आपको आज एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिन तक तब तक पूरी तरीके से फ्लू जो है ठीक हो जाए ऑन दर क्लास इट से क्लास जहाँ पे वर्कर्स अवेयर हो गए कॉमन कंडीशन उनके मिशन वगैरह एंड इट डेवलप ओनली बीन क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप्स अमंग दर्कर्स अमंगसल्व ठीक है वर्कर्स के अंदर वो फीलिंग क्लास कॉन्शियसनेस आनी चाहिए तो ही उनको पता चलेगा वो किसी क्लास को बिलोंग करते हैं और अकॉर्डिंगली वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आएंगे और अपना स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं दिस स्टार्ट टू सी थ्रू द कंडीशन ऑफ एक्सप्लॉटेशन एंड कैन नाउ नाउसेल्स रियलाइज द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एक सोशल क्लास है विच बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव क्राइटेरियन इट इज ओनली वन वर्कर्स जो है वो अवेयर हो जाते हैं जो क्लास फॉर इट बनते हैं वो यूनाइट हो जाएंगे अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्योंकि अभी तक तो एक क्लास ही नहीं है एक किसी का किसी पावरफुल एंटिटी के अगेंस्ट आपको यूनाइट होना है तो सबसे पहली चीज आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आना होगा आपके खुद के बीच एक यूनिटी होनी चाहिए ठीक है तो क्लास इन इट सेल्फ में सारी चीजें नहीं थी क्योंकि वो क्लास जो था वो एक्चुअली जो क्लास का फॉर्म है उसमें प्रेजेंट नहीं था वो किस में आएगा आपको क्लास फॉर इट में तो ये वो फेज है जिसमें प्री कंडीशन फॉर द चेंज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन टू सोशलिज्म सोशलिज्म प्रेजेंट था ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्लास इन टू क्लास फॉर इट द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लाइटेशन ठीक है क्यों हुई अभी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वो अवेयरनेस आ गई उनमें एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गई कम्युनल वर्किंग इन अ फैक्ट्री फैक्ट्री में सारे इकट्ठे काम करते हैं होमोजेनाइजेशन इसको बोलते हैं ठीक है सारे सेम काम कर रहे हैं इकट्ठे कर रहे हैं तो दे ऑल्सो चांस टू इंटरैक्ट समी राइजिंग गैप बिटवीन दी हैव एंड हैव नॉट्स और एलिनेशन भी आप इसमें डाल सकते हो पोलराइजेशन भी फर्दर हो जाती है जिससे प्रोसेस जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्लासनेट सेल्स से क्लासफर्ड सेल्स में पोलराइजेशन विल ऑल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ होमोजिनाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स मैंने आपको बोला सारे इकट्ठे काम करते हैं एंड इंक्रीज मैकेजेशन जितनी ज़्यादा आप मशीन वगैरह इंट्रोड्यूस करोगे उतने आपको फिर लेबर्स की जरूरत पड़ेगी ठीक है उतना ही एलिनेशन भी बढ़ जाएगा उतना ही एक्सप्लोइटेशन भी बढ़ेगा उतना ही पोलराइजेशन के चांसेस भी होंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इट्स वेरी नेचर वो अनस्टेबल है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन और एंटेगनिज्म पे बेस्ड है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टन ये इन बिल्ट है कैपिटलिज्म में विच कैन बी रिजोल्व ओनली बाई इट्स ट्रांसफॉर्मेशन मार्क्स ने कहा था

आप एक क्लास सिस्टम स्ट्रक्चर को ही चेंज कर रहे हो ठीक है तो फाइनल ट्रांजिशन ऑफ क्लास इन सेल्फ टू क्लास फॉर इट सेल्फ अकर्स ऑनली कम्युनिज्म ये फाइनली आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा एडवांस्ड कम्युनिज्म में आगे चल आई थिंक वील स्टॉप इट हेयर क्योंकि इससे ज़्यादा बात नहीं हो रही है मेरे से तो अगर थोड़ा तो वीडियो आने में टाइम लगता है बेयर विद मी फ्लू की वजह से हो रहा है और आप मेरे साथ रहे आई विल कंप्लीट दिस एंटायर सीरीज तो डू सब्सक्राइब शेयर गिव अ थम्स अप कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें पसंद नहीं आया वीडियो तो डिसलाइक करें बताएं डिसलाइक क्यों किया पसंद क्या नहीं आया तो टिल द टाइम मैं अपलोड न्यू वीडियो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस एंड रिवाइज दोज वीडियोस इससे आपका लॉस नहीं होगा रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय टेक केयर अ ग्रेट डे और फ्लू सीजन चल रहा है तो डू टेक केयर ऑफ़ हेल्थ